नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, जब हम लोग सिविल सर्विसेज या फिर एसएससी या फिर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं इंडिया में, इनकी तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स और जीएस जीके इतना सारा डेटा हो जाता है कि आपको कई बार ऐसा लगने लगता है कि कितना आदमी पढ़े और कैसे कैसे याद रखे। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ, अगर आप चाहें ना तो इसको मान लेना, लेकिन इसमें फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। देखिए, मान लीजिए आप कोई करंट अफेयर पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके करते हैं कि जैसे अभी हुआ था 37th जो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ था। अब वो किस डेट में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, उसकी थीम क्या थी, उसके भागीदार देश क्या थे, फोकस कंट्री क्या थी, तो सबसे पहले तो आप उसको पूरा पढ़िए, ठीक है, कि उसकी जो फैक्ट है। एक बार पहले आपने डायरेक्टली पढ़ लिया, फिर दूसरा जो तरीका क्या है कि उसी को बोल के देखिए। मतलब जैसे मैंने मान लो पढ़ा, एक एक पूरी करंट अफेयर है कि जो 37वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है उसका आयोजन हुआ 14 से लेके 27 नवंबर नई दिल्ली में। थीम थी उसकी स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। भागीदार देश था वियतनाम, फोकस कंट्री था किर्गिस्तान, फोकस आपका भागीदार राज्य था झारखंड, और फोकस राज्य था हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो पहले मैंने उसी चीज को पढ़ लिया, ठीक है, फिर उसी चीज को मैंने बोल के देखा। मतलब मैंने तेज बोला और मुझे खुद सुनाई पड़ा वो चीज। मैंने बोला, दो तीन बार बोला मैंने उसको, वही चीज सुनी मैंने, ठीक है। फिर तीसरी बार आप क्या करिए, तुरंत आप उसको 1 मिनट आंख बंद करिए। जब आपने मतलब एक बार पढ़ भी लिया और दो तीन बार बोल भी लिया, तो आप उसको आंख बंद करके सोचिए कि हाँ, ये वाला जो कंट्री था, ये जो मतलब व्यापार आपका मेला था, वो उसका ये फोकस कंट्री था किर्गिस्तान था, ठीक है। अब भागीदार देश ये वियतनाम था, भागीदार राज्य आपका झारखंड था, फोकस राज्य था आपका हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ये आप अपने मन में आंख बंद करके सोचिए और अपने आप को समझाइए, ठीक है। ये तीन चीज अगर आपने कर ली, और उसके बाद जो आपके नोट्स होते हैं बहुत ही शॉर्ट में, आप ऐसे मान लीजिए जैसे करंट अफेयर बहुत सारी चीज उसमें पढ़ी कि उसमें क्या क्या हुआ, ट्रेड का प्रमोशन किया गया, काफी सारे लोग आए, एंटरप्रेन्योरशिप इसके लिए बहुत सारे, वो तो मल्टीफेसेटेड पॉइंट है। लेकिन आपने जब उसको क्या किया, लास्ट में क्या किया कि जो आपके नोट्स होते हैं एकदम टू द पॉइंट चीज, कि मतलब मान लीजिए 37 महिला था ये, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था, ठीक है, उसके भागीदार कंट्री कौन था, वियतनाम था, वो ये भागीदार राज्य कौन था आपका, भागीदार यहाँ पे लिख दीजिए, भागीदार कंट्री था वियतनाम और राज्य था आपका झारखंड, ठीक है। फिर फोकस आपका कंट्री कौन था, फोकस यहाँ लिख दीजिए किर्गिस्तान, और फोकस राज्य था आपका हरियाणा उत्तर प्रदेश। अगर ये तीन चार चीजें आपने अपना ली, और फाइनली एक मेरी आपके लिए टिप ये है कि जब आप लास्ट टाइम है जैसे एग्जाम का, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको रिवीजन पे फोकस करेंगे। रिवीजन आप जरूर करिए, जो पुराने आपके नोट्स हैं उन्हीं को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए। लेकिन जब भी आप डेली पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जीके पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने के बाद एक बार आप उसको अगर बोल भी देंगे और उसके बाद एक बार सोच भी लेंगे, और रात में जब आप सोते हैं तो उससे पहले 2 4 5 मिनट अपने आप से बात करा करिए। मतलब कुल मिला के थिंक और एनालाइज वाली जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मान लो कोई भी इशू हुआ है, जैसे भी डिलीट फेसबुक वाला मान लो कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो उसमें आपने 4 5 आर्टिकल पढ़ लिए, फिर आप अपने आप को समझाना चालू करो कि अच्छा, डिलीट फेसबुक ये था, मतलब ये वहां पे एक कंपनी थी कोई, वहां पे यूएस के इलेक्शन में ट्रंप ने उसको हायर किया था और उसने डेटा चुरा लिया, मतलब इससे क्या क्या चीजें हो सकती है। अब आप अपने आप ही में बात कर रहे हैं, आग बंद करके आप अपने अंदर ही की आप ही की पिक्चर चल रही है कि एक डिलीट फेसबुक वहां खड़ा हुआ है, वो आपको समझा रहा है कि यार ये चीजें, इससे प्रॉब्लम हो सकती हैं, उससे इंडिया के इलेक्शन में क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। ऐसे तो इंडिया की जो पार्टीज हैं वो भी उसको, जो भी वो फर्म थी उसका डेटा यूज करके हम जो यूजर्स हैं उनको मैनिपुलेट कर सकती हैं। तो ये सब चीजें मतलब उसके प्रोज कॉन्स और ये सब चीजें, मान लो जैसे आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं जो डिस्क्रिप्टिव वाले, उसके लिए ये आपके पास ज्यादा से ज्यादा पॉइंट होने चाहिए। मतलब 360 डिग्री आपको कवरेज करना होता है, प्रो कॉन्स और वे फॉरवर्ड, और ये सब चीजें तभी आ सकती हैं जब आप अपने आप खुद से बातें करना चालू करोगे। तो यही चार तरीके हैं कि पहले पढ़ो, फिर उसको बोलो तेज आवाज में, फिर उसको आप विजुअलाइज करो, मतलब थिंक और एनालाइज करो, और फाइनली उसको टू द पॉइंट एकदम शॉर्ट में नोट बना लो। ये अगर आप तरीका मान लो कि ये कहने वाली बात भले ही आप लोग जो भी कर याद हो मुझे यहाँ पे, लेकिन ये वाली चीज मैं खुद भी फॉलो करता था पहले, और मैंने लोगों को बताया हुआ है। मेरे जो पेड ग्रुप के स्टूडेंट हैं मैंने कई बार उनको ये चीज बोल रखी है। आप लोग भी अगर ये फॉलो करेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा। और एक बात और, जब एक जो भी आपका स्टडी रूम हो वहां पे एक बड़ा सा चार्ट पेपर बड़ा सा जरूर रखिए। जो भी शॉर्ट ट्रिक है, मतलब एग्जाम के मान लो अभी जैसे कितने दिन बचे हैं, 10 15 दिन बचे हैं अभी, तो अभी तो आपके पास आराम से टाइम, आप रिवीजन कर सकते हो। लेकिन जब एग्जाम का 1 दिन बचा होगा तो आप उस चार्ट में से जो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको ट्रिक के फॉर्म में लिखिए, और उसके बगल में उसका सब फुल फॉर्म लिखिए, वो लास्ट के टाइम वही देख के जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।